हेलो गाइस, तो आज पांचवा नराता है। मैंने यहाँ पे ही क्लिप शूट करा। अभी अभी मैंने बनाई है वेज मैक्रोनी पार्थ के लिए। उसको आज से उसकी वापस वो एकेडमी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उसका स्नैक बॉक्स देना है। दोपहर को है उसकी क्लास, मतलब उसने 3:30 बजे जाना है। और ये रही मेरी चाय, और अंदर मैं चाय दे चुकी हूँ सबको, तो उसका स्नैक बॉक्स पैक कर रही हूँ मैं। फिर मिलते हैं आपको, यम्मी यम्मी मैक्रोनी खाओगे, आ जाओ। इसमें वेजीज में मैंने डाली है बेल पेपर्स, कैप्सिकम और बीन्स, बस। तो अभी मैंने व्लॉग इसलिए ऑन किया बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। आज मैंने मकबैंग डाला था, दिस इज ड्यूरिंग नवरात्रा जब मेरा मकबैंग गया है, एंड इट इज़ नॉट अ नवरात्रि स्पेशल मकबैंग एट ऑल। मैंने कहीं मैंशन नहीं किया है। बाय चांस जो रेसिपी मैंने ट्राई करी अपने मकबैंग में बनाई है, वो मैंने उन्हें बताया आपके जीजू आपे। तो उसमें मैंने जो रेसिपी ट्राई करी पनीर वाली, दैट वाज विदाउट लहसुन एंड अनियन। और लेकिन मैंने दूसरी प्लेट में सैलड में अनियंस रखे हुए हैं, और मैंने क्लियरली मकबैंग में बताया भी है कि मैं कोई नवरात्रि स्पेशल नहीं कर रही हूँ, और इस नवरात्रि में हमारे घर में प्याज और लहसुन बंद नहीं होता, क्योंकि इस नवरात्रि में हम खेतरी नहीं बीजते घर में। पर जो दूसरे नवरात्रि आते हैं अदर एंड ऑफ द ईयर, उसमें हमारे घर में खेतरी बीजी जाती है, और जब खेतरी बीजी जाती है माता रानी की, तब हमारे घर में लहसुन और प्याज बंद होता है। अब ये एक फैमिली ट्रेडिशन है, बट फिर भी कुछ कमेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी उठा लिया फ़ोन वीडियो में बोलने के लिए कि आप माता रानी की इतनी वो करते हो और फिर भी आप लहसुन और अनियन का सेवन कर रहे हो नवरात्रि में। तो यार पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये कहाँ पे लिखा है कि आपकी मतलब रिलीजन और धर्म और फेथ में कितने आप स्ट्रांग हो, इसको मापने का जो पैमाना है वो इससे हो गया कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे। क्या जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भगवान को मानते ही नहीं है? हाँ, अगर कोई हिंदू हैं जो फैमिलीज नॉनवेज खाती हैं, तो मतलब है कि उनके वो खाती हैं, इसलिए वो भगवान में, माता रानी में, शिव जी में, किसी में आस्था रखते हैं, तो वो गलत हैं। ऐसे नहीं होता यार, हर एक की फैमिली के अपने ट्रेडिशंस हैं, और कहाँ से और किस रीज़न से चले आ रहे हैं हमें वो भी नहीं पता होता। हम लोग वही फॉलो करते हैं जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं, है ना। ऐसे तो यार हम माता रानी, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी को मानने वाले हैं, तो हमारे घर में अंडा भी बनता है, हम नॉनवेज भी खा लेते थे। फिर बहुत से ऐसे हाउस होल्ड हैं, तो इस तरह मत सोचो आप, ठीक है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप 9 दिन माता की नवरात्रि में इतना नहीं कर सकते प्याज और लहसुन, कि भैया आप कर सकते हो ना, आप करो, आप खुश रहो अपने फेथ में। हम जो कर रहे हैं हम अपने फेथ के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, और इससे हमारी कोई आस्था थोड़ी ना कम हो जाती है माता रानी में। बहुत मानते हैं हम, उनकी कृपा है हम सब पर, हमारे परिवार पर। तो इस तरह ना, ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, पीपल विल जज, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरे की बात सुनकर उसको जज करते हैं। बट बस मैंने वही क्लियर करने के लिए यहाँ व्लॉग में बोला है। बाकी आई हैव नो मैलिस इन माई हार्ट फॉर एनी पीपल हु आर कमेंटिंग फॉर दिस, इट्स ओके। एक नॉर्मल सी लॉजिकल थिंकिंग है जो उनके मन में आई और वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जय माता दी, खुश रहो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी, कैसे हैं आप सब? तो मोहित ने जाना है ऑफिस, उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है बेसन का चीला विद ब्रेड एंड चाय, और उनके लंच के लिए मैंने बनाया है सुबह काले चने। और साथ ही घर में मम्मी पापा और पार्थ, पार्थ की छुट्टियां हो गई हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ बीन्स आलू। उन तीनों को मैं बीन्स आलू के साथ फुल कर दूँगी। हेलो जी, तो आज सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से शुरू कर दिया था मैंने थोड़ा सा व्लॉग के क्लिप्स बनाना। आज है डे 6 ऑफ नवरात्रि। जय माता दी, जय मेरी गुरुजी महाराज की। तो अभी मैंने मशीन में लगाए हैं कपड़े एज पर माय अलार्म, और यहाँ पर मैंने लगा लिया है अपना योगा मैट, क्योंकि मेरी क्लास शुरू होने वाली है योगा की एट 11 o'clock। तो योगा करके फिर फ्रूट टाइम, पपीता काटेंगे, और आज मैं प्रसाद में बनाऊँगी कड़ा प्रसाद, आटे का हलवा। तो बहुत टाइम से मैंने पहले जब मकबैंग में खाया था, तो लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी इसकी रेसिपी दिखाओ, तो आज मैं डिटेल में इसकी रेसिपी इस व्लॉग में भी दिखा दूंगी। और वैसे शॉर्ट तो मेरा जा ही चुका होगा, शॉर्ट बनाकर मैं पहले ही डाल दूँगी। सो दोस्तों, ये मैंने तैयारी करी है पार्थ की आज इवनिंग स्नैक की। वो मुझे 2-3 दिन से प्रॉमिस ले रहा था कि मम्मी पनीर टिक्का बना के दो मुझे, स्क्यूअर स्टिक में लगा कर पूरा बारबेक्यू करके। तो मैंने कहा ठीक है, जब भी मैं ऐसे बनाती हूँ कुछ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी रेसिपी रील भी बना लूँ। तो ये मैंने पनीर के क्यूब्स काट लिए, और ये मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के भी क्यूब्स काट लिए।
तो इस तरह से ही काटना है, देख रहे हो आप, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अंदर कोई सीड वीड ना हो, टमाटर में भी, शिमला मिर्च में भी। ये मैंने पनीर टिक्का के साथ जो लच्छा प्याज मिलता है वो मैंने इस तरह से लच्छे बना लिए हैं। इसके पता है मैंने किससे बनाए हैं, ये देखो, ये स्लाइसर बहुत काम की चीज़ है। मैंने ये मीशो से लिया है, आप आई थिंक कितना 169 या कुछ के दो आते हैं, एक पतला वाला ब्लेड का और एक थोड़ा मोटा वाला। और ये पहले दिन ही इसका ये हैंडल क्रैक हो गया, लेकिन फिर भी बहुत काम की चीज़ है, बहुत सही इसमें स्लाइस होते हैं। देख रहे हो आप कितना फाइन अनियन स्लाइस हुआ है, ठीक है। और ये है लेमन जूस, नींबू, आधे नींबू का रस रखा है मैंने, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये मेरी चटनी जो मैंने मिंट वाली बना रखी थी, धनिया पुदीने वाली, उसमें मैंने दही डाल के मिक्सी में चला दिया है, क्योंकि पनीर टिक्के के साथ ऐसे लाइट ग्रीन दही वाली मिंट चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने दही रखा हुआ है छानी में, नीचे देखो इसका पानी निकल रहा है, हंग कर्ड के लिए। वैसे तो पूरी रात रखो तो मस्त बनती है, बट कोई नहीं, अभी मैं एक घंटा इसको ऐसे रखूँगी तो जितना पानी इसका निकल जाए फिर हम इसे मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। तो इसका रील शूट कर दूँगी रेसिपी का, और फिर पार्थ खाकर आपको बताएगा कैसा बना है पनीर टिक्का। लेट्स मेक पनीर टिक्का मैरिनेशन। तो ये मैंने ले लिए पनीर के क्यूब्स, इसमें हम डालेंगे अपनी हंग कर्ड, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, पुदीना पाउडर, सॉल्ट। नाउ वील ऐड रोस्टेड बेसन, ग्राम फ्लावर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन, एंड टू दिस वी आर गोइंग टू ऐड ऑल आर वेजीज, कैप्सिकम, टोमेटो एंड अनियंस, एंड ऑन टॉप हॉट मस्टर्ड ऑयल। लेट्स मिक्स इट ऑल। तो ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, इस मैरिनेशन को हम रखेंगे कम से कम 1 से 2 घंटा। फ्रेंड्स, टाइम है अब हमारा पनीर टिक्का को हम स्क्यूअर्स पे असेंबल कर लेते हैं। सो गाइस, इसको हम ग्रिल टोस्टर में ग्रिल कर रहे हैं, सब तरफ से अच्छे से ग्रिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करके। एंड ये देखो आप ग्रिल से कितना अच्छा है, इसके ऊपर निशान भी बन रहा है। गाइस, ये देखो कौन आया और कैसे आया, क्या कर रहा था अभी तू, जी ब्लब ब्लब आता हुआ। एक मिनट मुझे फोटो तो लेने दे इसकी। गाइस, मैं ये कर दूंगा जल्दी फोटो को। तो ये लच्छा प्याज साथ में मिंट एंड दही वाली चटनी, एंड ये हमारा हो गया है, इसमें हो रहा है मस्त ग्रिल में। और उसके बाद मैं फाइनली एक बार बर्नर पे भी घुमा दे रही हूँ, तो कैसा लग रहा है गाइस आपको बताना। इतना स्वाद, ओ तेरी, ओ तेरी, ये तो बाहर का लग रहा है, है ना, ऐसे ही है। जय गुरुजी बोल, जय गुरुजी, बाहर कैसे ज्यादा स्वाद लग रहा है। अरे वाह, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू टू। खा ले खा ले खा ले मोहित, तुम भी टेस्ट करोगे ना, मस्त बना है सही में, बहुत ही ज्यादा ऑसम बनेगा। I thank you, I love you. नहीं, सच्ची में बहुत awesome बने। मैंने तो वो होटल होटल के भी खाए, ऐसे नहीं होते, वो इतना सॉफ्ट है इसमें पनीर। आई थैंक यू, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अंदर से सॉफ्ट है। चल, रेसिपी फॉलो कर ली थी मैं। हाँ हाँ, तुम्हारी रेसिपी फॉलो करी है। मम्मी का ढक्कन बंद कर दो। गाइस देखो, थोड़ा सा मैरिनेशन बचा था, उसमें हमने मशरूम्स डाल दिए। अब ये पार्थ मशरूम स्टिक भी खाएगा। हाँ, हल्का सा क्यों दबाना नहीं, ठीक है। वाओ, ये तो रेसिपी सक्सेसफुल हो गई ना। एक्चुअली मुझे इसका ध्यान आ गया कि इसमें हम ग्रिल कर लें, क्योंकि वो बर्नर पे नहीं ठीक बन रहे थे। चलो बहुत बढ़िया गाइस। और देखा तो मैंने, ये भी इंस्टा पे ही था, इंस्टा पे बहुत सारे पनीर टिक्का के रील्स खोल के देखे मैंने। मैरिनेशन तो मेरे को पता ही थी कैसे करनी है इसकी, हाँ जैसे हम करते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक थी ना, सरसों का तेल गरम करके उसमें डालना बेसन भुने हुए के साथ, ये ट्रिक तो मुझे इंस्टा से ही पता चली भैया, और बहुत ही सही बना है। बस बस बेटे, थैंक यू। चिली ऑयल है ये, इंडियन चिली ऑयल। हाँ, जय अन्नपूर्णा माता। तो फ्रेंड्स, शाम की आरती का टाइम हो गया, और मैंने प्रसाद में बनाई है मीठी सेवियाँ। मैंने बनाना तो था आज हलवा, सोचा था शूट भी करूँगी, लेकिन मुझे नहीं टाइम मिला, क्योंकि दोपहर को शाम को स्नैक्स में वो पनीर टिक्का वाला हो गया, ज़रा लंबा प्रोग्राम। और अभी अभी मैं डिनर बना के हटी हूँ। डिनर में मैंने आज बनाया है सूखे बैंगन आलू,
जो मैंने आपको पहले बड़ी बार रेसिपी भी दिखाई है। बाप रे, मेरा हाथ भी जल गया थोड़ा सा। किचन में तो हो ही जाता है ये सब। ये देखो जी, अभी छूट जाता हाथ से। ठीक है, और यहाँ पे बस सेवियाँ तैयार होने वाली हैं। तो अब हम आरती करते हैं माता रानी की। कल है सातवां नवरात्रा और फिर अष्टमी है। जय माता दी। फ्रेंड्स, डे 7 ऑफ नवरात्रि। तो आज आपके जीजू ऑफिस गए हैं, पास की तो छुट्टियां चल रही हैं। अभी फ्रूट टाइम है तो मैंने पपीता कट किया है। सुबह मैंने उनको लंच में मूंगी साबुत दाल बना के दी थी और ब्रेकफास्ट में भिंडी बना के दी थी और हम सब ने भिंडी से नाश्ता किया है। और आज मैंने मकबैंग शूट करना है। तो कल अष्टमी है, अष्टमी वाला व्लॉग मैं सोच रही हूँ अलग से कर दूँगी। आज तक का जितना शूट हुआ है वो सारा कंपाइल कर दूँगी नवरात्रि में। तो ये मैंने काले चने उबलने रखे हैं क्योंकि मैं आज जो मकबैंग कर रही हूँ उसमें मैं वही कंजक वाला प्रसाद रखूँगी। और यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं तो मैं पूड़ी के साथ काले चने और आलू भी रखूँगी। काले चने सूखे सूखे लगते हैं तो तरी वाले आलू का झोल और हलवा बनाऊँगी। वो मकबैंग करना है मुझे। तो आप ये जो पपीते के ऊपर देख रहे हो ना काली मिर्च, ये आयुर्वेद के हिसाब से ना जो बहुबीजी फल होते हैं जिसके अंदर यानी मल्टीपल सीड्स होते हैं, उसको हल्की सी काली मिर्च के साथ खाया जाए तो वो डाइजेशन और हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जब से मेरे को ये पता चला तब से मैं जितने भी मल्टीपल सीड्स वाले फ्रूट्स हैं उस पर मैं हल्का सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। फाट को मैंने दे दिया, ये मम्मी पापा को देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सेटअप लगा लिया है और अब मैं बनाने लगी हूँ हलवा। कड़ा प्रसाद होता है ना, आटे वाला हलवा। वैसे तो कंजकों पे सूजी वाला हलवा बनता है पर आज तो मैं मकबैंग शूट कर रही हूँ, कल कंजक पे मैं सूजी वाला बनाऊँगी पूरा। तो ये मैंने पहले भी अपने एक मकबैंग में रखा था और लोगों ने मुझे लिखा था दीदी रेसिपी दे दो प्लीज़, तो रेसिपी भी शूट हो जाएगी मेरी। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। कुछ सिर्फ आटा डाल के बनाते हैं, कुछ गुरुद्वारों में आटा और थोड़ी सूजी मिक्स करके बनता है, कुछ गुरुद्वारों में दलिया भी डालते हैं उसमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये हमने ले लिया देसी घी, शुद्ध देसी घी। देसी घी लेना बहुत ज़रूरी है, इसमें और किसी तेल में जो है वो कड़ा प्रसाद नहीं बन सकता, प्योर देसी घी में ही बन सकता है। ठीक है, अच्छे से घी गरम कर लेते हैं हम। तो घी गरम हो गया, इसमें मैं पहले बस एक छोटा चम्मच सूजी डाल रही हूँ। ठीक है, ये बस इतना सा। उसके बाद इसमें आटा डल रहा है, मेन जो है इसके अंदर फ्लावर वो गेहूं का ही है। तो जी ये मैंने 4.5 चम्मच जो चम्मच सूजी लिया उसी का आटा डाल दिया है और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे घी के साथ, जब तक आटा जो है वो अपना कलर डार्क करके ब्राउन नहीं हो जाता, बढ़िया सा कलर ले लेता है ना और खुशबू आ जाएगी पूरे घर में आटा भूजने की घी में, और सूजी भी जो है वो भी फूल जाएगी। तो इसको अच्छे से भूनते हैं घी में। भूनते भूनते खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी इसका कलर थोड़ा और डार्क होगा, हम और भूनेंगे, लगातार चलाते रहेंगे ताकि किसी एक जगह से नीचे ना लग जाए। अब आप देखो गाइस ध्यान से, इसका टेक्सचर देखो, है इसमें दरदरापन। वो थोड़ी सी एक चम्मच सूजी की वजह से इसमें दरदरापन भी है, पूरी स्मूथनेस नहीं है जो कि कड़ा प्रसाद में बड़ी अच्छी लगती है। और ये अब ब्राउन भी होना शुरू हो गया है, इसको मैं लगातार चला रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग ना इसमें चीनी पानी ऐसे भर के डाल के फिर इसको पकाते हैं, लेकिन कड़ा प्रसाद अगर आपको बढ़िया वाला बनाना है ना, मैंने भी ये सब करते करते सीखा है देख देख के, पहले मैं भी इकट्ठे डाल लेती थी, लेकिन अब हम पहले इसमें चीनी डालेंगे और जितना आपने आटा लिया है ना लगभग उतनी चीनी डालोगे तो बहुत मीठा मीठा और बढ़िया सा बनेगा, लेकिन मैं कम भी डाल लेती हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हो क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाते हैं, बट ये वाला प्रसाद मीठा हो तभी मज़ेदार लगता है, खूब अच्छे से मीठा होना चाहिए। तो कलर देखो आप क्या मस्त ब्राउन हो रहा है इसका, है ना, कहीं से भी बस नीचे जलना नहीं चाहिए इसलिए इसको लगातार हिलाना है। चलो मैंने एक लाइट बंद कर दिया है ऊपर वाली जिसकी वजह से कलर ठीक से नहीं पता चलता, ये भी बंद कर देती हूँ। हाँ, अब देखो आप कलर दिख रहा है आपको क्या मस्त, जैसे वो होता है ना पार्ले जी बिस्किट वैसा ब्राउन कलर हो गया इसका और पूरी खुशबू बढ़िया से आ चुकी है। अब इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो
तो उसी मेजर से, जिस मेजर से मैंने आटा लिया था, आटा मैंने 4.5 चम्मच लिया था ये वाला, और चीनी मैंने भर के इसमें 3.5 डाली है। आप पूरी भी डाल सकते हो आटे जितनी, पर फिर वो बहुत मीठा हो जाएगा भैया हमारे लिए। तो ठीक है जी, अब इसको करा मिक्स। अभी देखा आपने, मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है। एक बार चीनी को इसमें घुलने देंगे, फटाफट से घुल जाएगी क्योंकि बहुत तेज़ गर्म है हमारा आटा। ये घुल गई है। आप पानी डालने की ट्रिक ये है कि आपने ना आटे के हलवे में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है गाइस। थोड़ा पानी डाला, इसके साथ थोड़ा सा इसको पकाया, ठीक है। कंसिस्टेंसी हमने देखनी है हमें कैसी चाहिए। इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, फिर थोड़ा और डाला। इसमें ना बहुत ज़्यादा खुला पानी नहीं डालना है, फिर वो वैसा कड़ा प्रसाद जैसा नहीं बनेगा। ये देख रहे हो आप कंसिस्टेंसी, घुमाते घुमाते अपने आप पैन से छूट रहा है। थोड़ा और पानी डालूंगी मैं अभी इसमें, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, पानी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और कोई लम्ब्स नहीं बने ऐसे टाइट वाले, लेकिन लेटी सी बन जाए इसकी, और उसके बाद ये अपने आप पैन को छोड़ने लगे, ठीक है। इतनी देर तक भूजेंगे हम इसको जब तक कि ये इसके अंदर जो घी डाला था वो ये छोड़ने नहीं लग जाता ना पैन में, तब तक। और आप बीच में घी और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने शुरू में जो घी ऐड किया उसके बाद आप घी ऐड नहीं कर सकते। बहुत से लोग करते हैं, मतलब कड़ा प्रसाद पूरा घी में डूबा हुआ टाइप्स मस्त सा लगता है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, जैसे मैं ऐसे करके छोड़ रही हूँ तो ये शेप ले रहा है ना। जब हमें गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है वो ऐसे हाथ में देते हैं तो वो शेप ले लेता है पूरा, वैसा ही होना चाहिए कड़ा प्रसाद। इसलिए हमेशा इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो। अभी मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ बस। अब पानी का कोई ऐसा नाप आपको कोई नहीं बता सकता कि टोटल इसमें कितना डलेगा, क्योंकि वो आपको कंसिस्टेंसी देखते हुए ही करना है ऐड। देखो अच्छे से भून गया और कैसा इसका टेक्सचर हो गया, ये देख रहा एकदम मस्त कड़ा प्रसाद वाला। अब इस टाइम पे ऑलरेडी इसने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इस टाइम पर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी इसमें। यस, ये सब चीज़ें मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देख देख के कर करके फिर सीखी, तो तब बनना शुरू हुआ एकदम बढ़िया कड़ा प्रसाद, ठीक है जी। इसको बढ़िया तरीके से भून लेंगे। तो जी देखो अब आप, हमारा कड़ा प्रसाद रेडी है। जिधर भी आप मूव करो पैन एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे पूरा पैन अपने आप छोड़ रहा हो ये, और ऐसे उठाकर आप इसको ऐसे करोगे तो ये चंक बन जाएगा इसका, स्मूथ चंक, मतलब आपका कड़ा प्रसाद रेडी है। वाह जी वाह, सतनाम श्री वाहेगुरु, जय माता दी। ये देख रहे हो आप, घी छोड़ा है इसने, जैसे कैसे पैन में एक जगह इकट्ठा करो चक्का हो रहा है ना। ये देखो जी हमारा मस्त कड़ा प्रसाद, तो आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने कर लिया काम। इधर आलू का झोल चढ़ा दिया है मैंने। इसकी रेसिपी शूट नहीं करी है, कल जब मैं बनाऊँगी ना अष्टमी पूजन वाले दिन, तब मैं उसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। यहाँ पे हमारा कड़ा प्रसाद रेडी है। यहाँ चने बॉयल हो गए हैं, बस चनों को तड़का लगाना है मुझे, बाकी सब डन है। आज जाना है मार्केट मैंने पार्थ के साथ, पार्थ को लेके जाऊंगी, मैंने कंचक का सामान खरीदना है। कई बार बीच बीच में ना थक जाती हूँ, तो ऐसी थोड़ा सा लेटती हूँ 2-4 मिनट फिर उठ जाती हूँ। तो आज काफ़ी कुछ बन गया। सुबह मैंने मूँगी साबत बनाई, भिंडी बनाई, बहुत सारी भिंडी बनाई थी आज, और अब मैंने काले चने बना रही हूँ, आटे का हलवा बना लिया, आलू का झोल बना लिया, अभी पूड़ियाँ भी बनाऊँगी मकबान के लिए, देखती हूँ राइस रखूँ या नहीं, पता नहीं मुझे। तो ये देखो जी, यहाँ पे मैंने थोड़े से राइस बॉईल करने रखे हूँ, कि मैंने मन बना लिया कि मकबैंग में थोड़ा राइस भी रखूँगी। आलू का झोल है ना, तो इसके साथ भी राइस अच्छे लगेंगे, और मैंने काले चने बना लिए हैं। ये देखो जी रस में से बनाए हैं, बिल्कुल सूखे नहीं रखे हैं ताकि मैं खा सकूँ। मकबैंग में बिल्कुल सूखी चीज़ रख लो ना तो नहीं खाई जाती, ठीक है।
तो इसकी जो ये है वही रेसिपी बिना प्याज लहसुन वगैरह के जो कि गंजकों की होती है, बस इसमें मैंने हल्की सी ग्रेवी बनाई है और इनको थोड़ा गाढ़ा दरदरा सा बनाया है। इसमें सिर्फ अदरक और हरी मिर्च है और बाकी सूखे मसाले। और ये आपको दो कलर के पता क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसमें एक तो काले चने हैं जो कि ब्राउन कलर के दिख रहे हैं और एक ग्रीन चने हैं जो कि पकने के बाद बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो वो मिक्स करके मैंने डब्बे में रखे हुए हैं और वो मैंने बनाए हैं। कल गंजक के प्रसाद के लिए तो मैं नया पैकेट लेकर आऊँगी एकदम ब्राउन चने वाला। सो फ्रेंड्स पार्थ हेलो, हम निकले शॉपिंग के लिए माँ बेटा और मैंने कर भी ली बाद में ऐसे चल रहा है फोन तो ऑन ही नहीं करा मैंने। ऐसे ही होता मेरे साथ, गंजक है ना कल तो उसके लिए डब्बे और ये बच्चों को देने के लिए बिस्किट्स कैंडीज और ये जैम केक्स यम केक्स वगैरह ये सब ले लिया है मैंने। पार्थ मैंने मेलेडी टॉफी का पैकेट भी ले लिया जो तेरे को निकली थी ना अभी ड्रॉर में से, फ्रेश पैकेट ले लिया। तो ये तो हमारी सोसाइटी की शॉप में ही मिल गया मुझे। और अब हम जा रहे हैं पार्थ के स्कूल, वहाँ पर हमें कुछ चेक ड्रॉप करना है इसका फीस का। ओ जय गुरुजी। देख के उल्टा डाल रहे बेटे जिप ऊपर। जय गुरुजी। थोड़ी गर्मी लग रही है यार, इतने दिन से तो मौसम अच्छा था, जैसे ही हम बाहर निकले वैसी गर्मी हो गई। तो अब बस तेरे स्कूल ही जाना है, मॉड स्टोर जाने की तो जरूरत नहीं, यहीं से हो गई सारी शॉपिंग। हाँ। हमारे टावर से सब कुछ मिल ही जाता है। हमारी सोसाइटी में जो ये शॉप्स है ना, ग्रोसरी आइटम्स वाली, कन्फेक्शनरी वगैरह सब कुछ मिल गया मुझे। इवन माता रानी का श्रृंगार का पैकेट भी मिल गया बाहर। हाँ, मुझे लग नहीं रहा था इनके पास होगा बट इन्होंने नवरात्रि में रखा हुआ है। हाँ, रख ही देते हैं ऐसी चीजें। इनको पता ना मोस्टली अभी लोग यही चीजें ढूंढने आ रहे हैं। हाँ। गाइस गौर से देख लो इस लड़के को। क्या देख रहा है? इसके स्कूल जा रहे हैं हम चेक देने। पहुंच तो गए, अब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी करो। मैं देख रहा हूँ। हाँ क्यों? चलो आप भी। अरे कम ऑन गेट अप। मैं तो उठ ही रहा हूँ। गेट गोइंग बेबी। यो 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 पोटस। क्या पोटस? ये गुलाम अली साहब को चुप कराओ, सर चुप रहो। सो गाइस हो गया काम और ये समझदार स्मार्ट बॉय जो है। हाँ तो ये पेंसिल बॉक्स जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। पेंसिल बॉक्स छोड़ के आया था स्कूल में, वो मिल गया इसको क्लास में ही था। हाँ। तो एक पंत दो काज हो गए, फी का चेक भी ड्रॉप हो गया और पेंसिल बॉक्स भी मिल गया हमें। हाँ। चलो अब चलते हैं घर। चलो।